महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। इस बार जिन सीटों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, इनमें से एक है अनुशक्ति नगर। इस सीट पर एक्ट्रेस स्वारा भास्कर के पति फहद अहमद एनसीपी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अजीत पवार ने एनसीपी के कद्दावर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को यहाँ से चुनाव में उतारा है। स्वरा भास्कर के पति फहद रुझानों में आगे चल रहे थे और बढ़त का अंतर भी बढ़ता जा रहा था। वे एनसीपी की सना मलिक से 6,419 वोटों से आगे चल रहे थे और कुछ ही देर बाद फहद अहमद करीब 1500 वोटों से पीछे चलने लगे। 19 में से 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इसको लेकर स्वरा भास्कर ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। स्वरा ने एक्स पर पूछा कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थक एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? तो जब तक नतीजे पक्ष में, तब तक ईवीएम भी सही चल रहा था, मजा भी आ रहा था, और जैसे ही पीछे हुए वैसे ही ईवीएम नामक राक्षस दिखने लगा है स्वरा भास्कर को। दरअसल ये आदत बन चुकी है विपक्ष के नेताओं और उनके सपोर्टर्स की, जब जब हारो किसी की ना मानो और ईवीएम पर अपनी भड़ास निकालो। आपका इस रिएक्शन पर क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है कि ईवीएम में सही में कुछ गड़बड़ी हो रही है या फिर केवल ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है हार जाने का? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।